नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में तीन आयरन टॉनिक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। पहला है आर्बिटोन, दूसरा है डेक्सोरेंज और तीसरा है हीमअप। और तीनों ही टॉनिक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लगभग आपने भी इसके बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। और एक एक टॉनिक के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, क्या इनमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, साथ ही इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और इनकी डोज़ के बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नीचे रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें। उसको दबाने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होता है। और उसको दबाने के बाद वहीं पर आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे हम यहाँ से कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका मैसेज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और फिलहाल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक का बटन दबा दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिव्यू करेंगे आर्बिटोन सिरप का, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आर्बिटोन सिरप जो है मेडली कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ये, और जो कि एक आयरन टॉनिक है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें होता है आयरन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन और कैल्शियम। इन चार इंग्रेडिएंट्स को डाल करके ये सिरप तैयार किया गया है। और बात करते हैं ये किस तरीके से काम करता है। इसमें जो दोस्तों आयरन डाला गया है, आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है पूरे शरीर में। और हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमें एनीमिया से बचाता है। एनीमिया यानी कि शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं होने देता है ये। इसके अलावा जो इसमें अगला इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड, जो कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उनके उत्पादन को बढ़ाता है ये और हमारे शरीर में एनीमिया नहीं होने देता है। इसके अलावा साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 जो इसमें डाला गया है, वो हमारी बॉडी में RBC जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को, और हमारे नर्व सेल जो होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है ये। इसके अलावा जो इसमें कैल्शियम डाला गया है, कैल्शियम से हमारी हड्डियां और हमारे दांत जो है मजबूत बनते हैं। तो ये कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स और इस तरीके से काम करता है। और अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये दिया जाता है, किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उनको दिया जाता है। या किसी एक्सीडेंट के कारण शरीर से ज़्यादा खून बह जाए और शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये दिया जाता है। इसके अलावा किसी सर्जरी के बाद यानी कि कोई ऑपरेशन होता है शरीर में, तो जिसमें क्या होता है ब्लड की कमी हो जाती है, ऑपरेशन के बाद जो है रिकवरी करने के लिए, ब्लड की कमी पूरा करने के लिए भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कई लोगों की डाइट जो है हेल्थी नहीं होती है, खाने पीने की कमी होती है, जिसके कारण शरीर में कमज़ोरी रहती है और खून की कमी रहती है, तो उन लोगों को भी ये सिरप दिया जाता है ताकि उनके शरीर में जो है ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर का विकास नहीं होता, ख़ास तौर पे जो बढ़ते बच्चे होते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती है शरीर की, उनको दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, ये इसके बेनिफिट्स हैं आर्बिटोन सिरप के। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इस पर करीब 128 रुपये MRP दिया हुआ है और डिस्काउंट करके ये 120 रुपये का आसानी से मिल जाता है किसी भी केमिस्ट की शॉप से, या आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आर्बिटोन सिरप का रिव्यू। इसके बाद हम डेक्सोरेन सिरप का रिव्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेक्सोरेन सिरप जो है फ्रेंको इंडियन कंपनी का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। और अगर आयरन सिरप की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है फेमस प्रोडक्ट डेक्सोरेंज है। जितने भी आयरन सिरप है, जितने भी आयरन टॉनिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है डेक्सोरेंज, और डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा जो है डेक्सोरेंज को ही प्रेस्क्राइब करते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन, फॉलिक एसिड और एल्कोहल। अगर एल्कोहल की हम बात करें तो ये जो 200 ml का सिरप आता है, इसमें करीब 190 ml एल्कोहल होता है, यानी कि 95% एल्कोहल होता है इसमें। और अब बात करते हैं किस तरीके से काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें जो दोस्तों आयरन डाला गया है
वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है पूरी बॉडी में। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC को मेंटेन करके रखता है और हमें एनर्जी देता है, एनीमिया से बचाता है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं होने देता है। इसके अलावा जो से फॉलिक एसिड डाला गया है वो हमारी बॉडी में अच्छे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, उनका उत्पादन बढ़ाता है और हमें एनीमिया से बचाता है। इसके अलावा जो इसमें साइनोकोबालामिन डाला गया है वो हमारी बॉडी में RBC को मेंटेन करके रखता है और हमारे नर्व सेल्स को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा बात करते हैं जो इसमें अल्कोहल डाला गया है, अल्कोहल का इसमें क्या फ़ायदा है? दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों को ब्लड की कमी के साथ साथ भूख भी नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उन लोगों को जब ये सिरप दिया जाता है तो अल्कोहल से क्या होता है कि उनकी भूख बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छी उनको भूख लगती है, जिससे कि उनकी डाइट अच्छी हो जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से खाते हैं वो। और भूख बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है ये। एब्जॉर्प्शन यानी कि जो भी वो डाइट में प्रोटीन कार्ब्स विटामिन्स वगैरह जो भी वो डाइट में ले रहा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो करके हमारे शरीर में लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि हेल्थ अच्छी हो जाती है, शरीर भी अच्छा हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। बात करते हैं अगर इसके प्राइस की, तो इस पर करीब ₹120 MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट करके आसानी से ₹110 का मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट के शॉप से ले सकते हैं या आप इसे किसी भी ऑनलाइन मेडिसिन की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था डेक्सोरेन सिरप का रिव्यू। इसके बाद हम रिव्यू करेंगे हिमअप सिरप का और अंत में हम तीनों सिरप का जो है कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सिरप जो है ज़्यादा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिमअप सिरप जो है ये कैडिला का प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ये। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें होता है आयरन, फॉलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन, मैंगनीज एंड कॉपर। और अब बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। आयरन जो इसमें डाला गया है, आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है पूरी हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में RBC को जो है मेंटेन करके रखता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करके रखता है, हमें एनर्जी देता है और हमें एनीमिया से बचाता है। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और हमें एनीमिया से बचाता है। इसके अलावा बात करते हैं मिथाइल कोबालामिन की, मिथाइल कोबालामिन हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड को प्रमोट करता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं उनको मैच्योर करता है। और इसके बाद देखते हैं कॉपर और मैंगनीज का क्या काम है। कॉपर और मैंगनीज हमारी बॉडी में हमारी हड्डियों को हेल्दी रखते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, हमारी मसल्स को हेल्दी रखते हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है। बात करते हैं हिमअप सिरप के MRP की, तो इस पर करीब ₹129 MRP दिया हुआ है और डिस्काउंट करके करीब आपको ये ₹120 का मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं या आप इसे किसी भी केमिस्ट की शॉप से सॉरी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और 200 ml का आता है ये, और जैसे मैंने पीछे आपको दो सिरप दिखाए थे डेक्सोरेंज और आर्बिटोन, वो भी 200 200 ml के ही आते हैं। तो दोस्तों ये थे तीनों आयरन सिरप के रिव्यू। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि कौन सा सिरप ज़्यादा अच्छा है प्राइस के मामले में, इंग्रेडिएंट्स के मामले में। तो चलिए देखते हैं इनका कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन की बात करें तो तीनों सिरप में अगर हम प्राइस से कंपेयर करते हैं तो सबसे सस्ता हमें पड़ता है डेक्सोरेंज जो कि ₹120 का है, उसके बाद आर्बिटोन जो कि ₹128 का है, और उसके बाद आता है हिमअप जो कि ₹129 का है। और अगर हम तीनों में प्राइस में कंपेयर करते हैं तो सबसे सस्ता हमें पड़ता है ₹120 का डेक्सोरेंज, जिसे अगर हम प्राइस में देखें तो नंबर 1 पे आता है। अब इसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स में कंपेयर करते हैं। दोस्तों बेनिफिट्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर हम हिमअप की बात करें तो ये हमारी बॉडी में जो है आयरन को बढ़ाता है और हमारी बोन्स को हमारी मसल्स को जो है मेंटेन करके रखता है, मजबूत बनाता है। इसके बाद अगर हम आर्बिटोन की बात करें तो ये भी सेम यही वर्क करता है, हमारी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करता है, हमारी हड्डियों को हमारे दांतों को जो है मजबूत बना के रखता है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो बेनिफिट्स में तो दोनों बराबर ही बैठते हैं।
लेकिन अगर हम डेक्सोरेंज को इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो डेक्सोरेंज में क्या है कि आयरन की कमी को पूरा करने के साथ साथ वो हमारी भूख को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी डाइट अच्छी होती है और हमारी सेहत भी अच्छी होती है, और हम नेचुरल तरीके से जो है अपनी बॉडी में विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी को, आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी मैं नंबर वन मानता हूँ डेक्सोरेंज सिरप को। अब बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। तो इन सिरप्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कई लोगों के जो है दांत काले पड़ जाते हैं, या कई लोगों की लेटरिन का यानी कि स्टूल का जो है रंग डार्क हो जाता है, या पेशाब जो है डार्क कलर का आने लग जाता है। इसके अलावा कई लोगों को पेट में दर्द होता है या पेट ख़राब हो जाता है, या कई लोगों को कब्ज हो जाता है या दस्त की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। बात करें अगर डोज़ की तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इसे लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आयरन टॉनिक का रिव्यू, और आप कौन से टॉनिक को नंबर वन मानते हैं मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके, फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।